काम नहीं कर रहा, जिसकी किडनी काम नहीं कर रही, और डॉक्टर ने कह दिया कि इसका डायलिसिस चालू हो गया है या इसका डायलिसिस चल रहा है। बेलपत्री के पेड़ के नीचे एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, एक कटोरी के अंदर एक पात्र में गंगा जल रख लीजिए, और उसमें सात बेलपत्र उस गंगा जल के अंदर, ये जो बेलपत्र हैं, सात बेलपत्र गंगा जल के अंदर, ये दो पत्ती उस कटोरी के अंदर नहीं जाना चाहिए, बस उसमें से एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर जा जाए। बहुत सावधानी से सुनिएगा, एक पत्ती उस गंगा जल के अंदर चली जाए। सात बेलपत्र लेना है, एक एक बेलपत्र को इसी तरह से उसको रखना, और भगवान शिव के कुंडकेश्वर महादेव का स्मरण करिए, और अवधूतेश्वर महादेव का स्मरण करिए। घी का एक दीप लगा लीजिए, और देवाधिदेव महादेव से पंचाक्षर मंत्र हो तो नमः शिवाय, षडाक्षर मंत्र याद हो तो ओम नमः शिवाय या श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर उस जल को लेकर आ जाइए। बेलपत्री को उठाकर शंकर जी के मंदिर में चढ़ा दीजिए, और वो जल लेकर आने के बाद जिसका लीवर या किडनी या डायलिसिस चल रहा है, उसको थोड़ी थोड़ी मात्रा में वो जल दिन भर में कम से कम 5-6 बार में वो पानी पूरा खत्म कर दीजिए। जो जल आप लेकर धीरे धीरे डायलिसिस अगर हफ्ते में 2 बार हो रहा है तो हफ्ते में 1 बार होगा, फिर महीने में 1 बार होगा, फिर धीरे धीरे किडनी लीवर काम करना प्रारंभ कर देगा और डायलिसिस आपका बंद हो जाएगा। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। साथियों, इसी तरह से पंडित प्रदीप मिश्रा जी के और भी उपायों को जानने के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपने भी किसी बीमारी के लिए कोई उपाय किया है और वह बीमारी अगर किसी उपाय से ठीक हुई है, कमेंट जरूर करना, जिससे और लोगों को भी लाभ प्राप्त हो। जो आपके कमेंट पढ़ेंगे तो वह भी उस बीमारी के लिए वह उपाय जरूर करेंगे जो आप लोगों ने किया है या कर चुके हैं। तो इसी तरह से और भी सटीक जानकारी के लिए, सटीक उपायों के लिए, प्रैक्टिकल के साथ आपको उपाय अपने चैनल से प्राप्त होते हैं, तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपके कोई प्रश्न रहते हैं कॉमेंट जरूर करना। हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तु।